गाइस क्या आपको पता है कि इंडिया में 3 में से 1 इंडियन हाइपरटेंसिव है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक 215 मिलियन के अराउंड हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे। अब ये हाइपरटेंसिव पेशेंट इतने ज्यादा हैं तो क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं, और लोग जनरली मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या एंटी हाइपरटेंसिव दवाई ले रहे हैं, तो क्या एक समय बाद ये एंटी हाइपरटेंसिव दवाई रुक सकती है कि नहीं। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कारणवश आपका एज कम है, आप यंग पेशेंट है, आपका एज 20-30 के अराउंड है और कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से आपको अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया जा रहा है और कुछ समय बाद वो नॉर्मलाइज हो जा रहा है, तो फिर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बंद कर देते हैं। लेकिन जो भी पेशेंट 45 प्लस रहते हैं, इन जनरल 45 प्लस पेशेंट में एक बार अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट हो गया तो उनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है।